एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 7वां पार्ट, कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपभोक्ता का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने वाला, या आप कह सकते हैं कंज्यूमर बोला जाता है इसे इंग्लिश के अंदर। जैसे हम चीजें खरीदने जाते हैं तो कई बार धोखाधड़ी होती है, उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका सार समझेंगे और फिर डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ, कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। लेखिका ललिता गोयल द्वारा लिखित है ये पाठ। इसमें लेखिका ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया है, इसके साथ साथ उन अधिकारों को पाने के लिए जागरूक एवं एकजुट भी किया है। उपभोक्ताओं को हर रोज ठगी तथा धोखाधड़ी का शिकार बनना पड़ता है। कभी कोई उन्हें पुरानी दवा दे देता है तो कभी उत्पादों पर उन्हें गारंटी होने पर भी सर्विस नहीं दी जाती। कभी कोई सामान लिखे हुए वजन से कम निकलता है, कभी डॉक्टर मरीज का सही इलाज नहीं करता, कोई उन्हें गलत जानकारी देता है जिसकी हानि उपभोक्ताओं को होती है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून भी लागू किया। ये कानून प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षा, जानकारी, उत्पाद चुनना, शिकायत करना आदि अनेक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को पाने के लिए ग्राहकों को जागना चाहिए। एक सर्वे के अनुसार आज तक देश के केवल 20% ग्राहक ही उपभोक्ता संरक्षण कानून को जानते हैं, केवल 42% ने ही इसे सुना है, जबकि इसके लिए कोई भी उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। कोई भी शिकायतकर्ता सादे कागज पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत भेज सकता है। 20 लाख तक के लिए क्लेम के लिए भोक्ता जलस्थल के आयोग में तथा इससे अधिक के लिए हम ये कह सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण आयोग में भी वह शिकायत जो है इंसान कर सकता है, 20 लाख तक के लिए भी और उससे ऊपर की वैल्यू के लिए भी वह शिकायत कर सकता है। वैसे ही 1 करोड़ से अधिक क्लेम पाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत की जाती है। शिकायत केवल अधिकारों के हनन के 2 वर्ष के अंदर ही हो सकती है, जब फ्रॉड हुआ। अधिकांश मामलों में शिकायतकर्ता को वकील करने की जरूरत भी नहीं होती। दुकानदार द्वारा उत्पाद पर लेबल अथवा स्टिकर लगाकर बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर बेचना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। किसी भी सामान को अधिकतम मूल्य से ज्यादा में बेचना गलत होता है, इसकी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ताओं के अधिकार के हनन के अनेक प्रकार के मामले सामने आते हैं। कई बार एक ही घर दो दो आवंटित कर दिया जाता है। बैंक द्वारा बिना कारण के खाता बंद कर देना, इनसे उपभोक्ता केवल जागरूक बनकर ही बच सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को केवल एक मार्ग लोगों वाला ही सामान खरीदना चाहिए, जिसमें एग मार्क लगाओ, बैच नंबर को देखना चाहिए, पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन आदि को भी देखना चाहिए, खरीदी गई वस्तु का बिल अवश्य लेना चाहिए, गारंटी कार्ड पर दुकानदार के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। उपभोक्ता इंटरनेट के द्वारा भी अपनी शिकायत कर सकता है, इस पर 72 घंटे के भीतर ही कार्यवाही शुरू हो जाती है। दूसरे पक्ष को 14 दिन के भीतर ही उपभोक्ता की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं। यही नहीं, उपभोक्ता का जो नंबर है ये वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता नंबर पर भी अपनी शिकायत जो है हम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, जिसका टाइम 9 से लेके 5:30 बजे तक का होता है शिकायत का। तो ये था पाठ का सार और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जानकारी हो गई होगी कि जागरूक होना, ग्राहक जागो का जो आंदोलन है वो क्यों चलाया जाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अपने अधिकारों के बारे में।
तो ये था पाठ। अब हम चर्चा करते हैं पाठ के अभ्यास के बारे में। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, उत्पादक किस तरह ग्राहकों को प्रभावित करते हैं? उत्तर, उत्पादक लुभावने विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में कौन सा कानून लागू किया? उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में। ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है? उत्तर, रेडियो तथा टेलीविजन पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। चौथा प्रश्न, कितने रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर पर न्याय की गुहार लगा सकता है? उत्तर, 20 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर पर न्याय की गुहार लगा सकता है। पांचवा प्रश्न, 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवानी चाहिए? उत्तर, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवानी चाहिए। इम्पोर्टेंट, 1 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवानी चाहिए? उत्तर, राष्ट्रीय उपभोक्ता नेशनल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, नेशनल लेवल पे। आगे, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत कितने वर्षों के भीतर अंदर ही करनी चाहिए? उत्तर, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत 2 वर्षों के भीतर ही करनी चाहिए। आठवां, क्या गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए फीस अदा करनी पड़ती है? उत्तर, गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई फीस नहीं अदा करनी पड़ती। नौवां, उपभोक्ता अधिकांश तौर पर सामान खरीदते समय बिल क्यों नहीं लेते? उत्तर, उपभोक्ता कस्टमर वैट बचाने के लिए सामान खरीदते समय बिल नहीं लेते, टैक्स। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये नंबर आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, ये उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला, उत्तर, जो व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को पाने के बदले धन का भुगतान करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, कस्टमर। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? उत्तर, उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकार है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, जानकारी होने का अधिकार। तीसरा, उत्पाद चुनने का अधिकार। चौथा, शिकायत निवारण का अधिकार। और पांचवा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तीसरा, उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसे इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण आयोग में करनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन किस तरह दर्ज करवा सकता है? उत्तर, उपभोक्ता को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए www.co.nic.in पर लॉगिन करना चाहिए। उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन पर एक क्लिक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद उपभोक्ता को ऑनलाइन ही शिकायत क्रमांक प्राप्त हो जाता है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला, आयोग के पास उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के किस किस तरह के मामले आते हैं? उत्तर, आयोग के पास उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के निम्न तरह के मामले सामने आते हैं।
कंपनियां आकर्षक ब्याज दर या कुछ समय में धन दोगुना करने की स्कीम का भ्रामक विज्ञापन देती हैं तथा उपभोक्ता उनके जाल में भी फंस जाता है। दूसरा, एक ही फ्लैट दो दो लोगों को आवंटित कर दिया जाता है, दो लोगों को दे दिया जाता है। बैंक बिना कारण ग्राहक का खाता फ्रीज कर देते हैं, इससे ग्राहक को वित्तीय लेन देन में दिक्कत होती है ट्रेड में। दूसरा, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उपभोक्ता को एग मार्क लोगो वाला ही सामान खरीदना चाहिए। उत्पाद का पैच नंबर अवश्य जांचना चाहिए। पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख अवश्य देखनी चाहिए। उत्पाद का वजन देखना चाहिए। वेट, प्रयोग की विधि अवश्य देखनी चाहिए। 6, उत्पादक का नाम और पता जरूर देखना चाहिए। 7वां, सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए। और 8वां, पैकेट बंद होने चाहिए। आगे भाषा बोध है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला शब्द दुकान, दूसरा है व्यक्ति, आगे नाममात्र आरोप, उसके बाद ग्राहक, विज्ञापन, पीड़ित और उल्लंघन। आगे निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो मैंने यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके लिखा है आप लोगों के लिए, आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और काम के प्रश्न आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ये भी आप खुद प्रैक्टिस करना। आप ये पाठ पढ़ने से पूर्व उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के बारे में क्या जानते थे? अपने शब्दों में जरूर लिखें। और दूसरा, क्या कभी आपके अधिकारों का हनन या उल्लंघन हुआ है? यदि हाँ, तो आपने उस स्थिति में क्या किया? वैसे और भी प्रश्न दिए गए हैं। स्कूल में खोले गए लीगल लिटरेसी क्लब के सदस्य बने एवं कानून से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करें। दूसरा, मैगजीनों अखबारों में आए उपभोक्ता जागरूकता संबंधी लेख विज्ञापन पढ़ें। जब भी आप कोई ऐसा लेख पढ़े जिसमें उपभोक्ता को शिकायत के बाद उचित न्याय व मुआवजा मिला हो तथा उत्पादक दुकानदार आदि को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो, तो ऐसी खबर को कॉपी में चिपकाएं और यदि संभव हो तो संक्षेप में स्कूल की प्रार्थना सभा में भी सुनाएं। आगे ज्ञान विस्तार है। पहला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, कस्टमर डे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्वीकार किया गया था लॉ को। इस नियम में बाद में वर्ष 1993, 2002 व 2004 में संशोधन भी किए गए, चेंजेस भी की गई। इन संशोधनों के बाद ये अधिनियम और भी सशक्त हो गए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के कानूनीविद और अधिवक्ता रॉल्फ नेडर द्वारा की गई। नेडर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च सन 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए विधेयक को अनुमोदित किया गया। इसीलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तीसरा, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हिंदी में इसके लिए अधिकतम खुदरा मूल्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्य की संकल्पना को उपभोक्ता प्राय समझ नहीं पाते। अधिकतर मामलों में MRP का प्रयोग उस कीमत में किया जाने लगा है जिस पर खुदरा व्यापारी वस्तुओं को बेचता है। लेकिन ये भी ध्यान दें कि कुछ खुदरा व्यापारी MRP में कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं, अतः हमें सजग रहना चाहिए।
कुछ उपभोक्ता ये समझते हैं कि एमआरपी का निर्धारण सरकार करती है, जबकि सत्य ये है कि एमआरपी का निर्धारण निर्माता द्वारा किया जाता है, ना कि सरकार द्वारा। ये भी देखने में आता है कि कुछ मामलों में एमआरपी के साथ स्थानीय कर लगा दिए जाते हैं, टैक्स, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। चौथा, उपभोक्ता न्याय एजेंसियां उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए निम्नलिखित एजेंसियां हैं। सबसे पहला, जिला उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदता है या किराए पर लेता है और वह सामान खराब निकलता है या सेवा में कमी रहती है, तो उसकी शिकायत सबसे पहले जिला उपभोक्ता फोरम में की जाती है। हर राज्य में जिला उपभोक्ताओं का गठन किया गया है। दूसरा, राज्य उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के खिलाफ संबंधित राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की जा सकती है। तीसरा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई सर्वोच्च संस्था दिल्ली में है। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। आगे टोल फ्री नंबर ये दिया गया है। सुबह समय जो है इसका, वो है सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। पांचवा, उपभोक्ता जागरूकता संबंधी मैगजीन है कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर वर्ल्ड, मांकदून, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित। तो ये थी आज की क्लास। में उम्मीद करती हूँ आप सबको कंज्यूमर के जो जो दुख है उनके बारे में पता लग गया होगा, उनका जैसे उनका रेमेडी निकालना है उसके बारे में भी ज्ञान हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।